अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि नेमचीप बेहतर है या होस्टिंगर बेहतर है। दोनों में से मैं आपको बताऊंगा कंपैरिजन करके कि कहाँ से आपको डोमेन होस्टिंग लेनी चाहिए या नेमचीप से आपको लेनी चाहिए होस्टिंगर से। तो कंप्लीट डिटेल आपको बताता हूँ आप किस तरीके से अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं होस्टिंग डोमेन लेके। और अगर आपको होस्टिंग डोमेन लेने के बाद कीवर्ड रिसर्च में मसला आ रहा है तो 80 वर्ष की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, जाकर देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर चल के मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूँ। एफिलिएट लिंक भी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में नेमचीप का, वो भी आप अगर आपको कोई भी परचेजिंग करनी है जाके, होस्टिंग या डोमेन लेनी है तब भी आप जाके ले सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नेमचीप के ऊपर और साथ में हम होस्टिंगर को भी चेक कर लेते हैं कि कौन सी होस्टिंग हमारे लिए बेहतर है अगर हम होस्टिंगर से लेते हैं और नेमचीप से भी। सिंपल, आपने आना है यहाँ से, आपने होस्टिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको 5 से 6 मिलेंगी होस्टिंग प्लान्स। अच्छा, उसी बात होस्टिंगर को भी हम लोग चेक कर लेते हैं साथ साथ के होस्टिंगर हमें क्या कौन से प्लेटफॉर्म्स हमें देता है। यहाँ से नेमचीप का लिंक ऐड आ रहा है, यहाँ से हम होस्टिंगर को, वैसे जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो आपको नेमचीप ही करता हूँ क्योंकि नेमचीप आपको बहुत ही कम पैसों में मिलता है। प्लस इसकी जो कस्टमर केयर है ना, कस्टमर सपोर्ट है, बहुत ज़बरदस्त है यार। आप समझ लें कि बहुत आला इसका कस्टमर सपोर्ट है जो कि नेमचीप की है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है, और इसका एफिलिएट लिंक आप वहाँ से जाकर परचेजिंग कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे आना है। अब मैं आपको बताता हूँ जिसकी सबसे पहली बात है स्टेलर होस्टिंग, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। स्टेलर बिजनेस, इजी वर्डप्रेस स्टार्टर, इसको छोड़ते हैं। हम इन दो प्लान्स को कंपेयर करते हैं होस्टिंगर के साथ। सबसे पहले हम इसको प्लान को हम चेक करते हैं कि ये प्लान क्या है, ठीक है। ये स्टेलर होस्टिंग है, ईयरली आपको मिल जाए $22 में, कुछ भी नहीं है $22 में। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और ब्लॉग्स बनाना चाहते हैं $22 कुछ भी नहीं है भाई जान इसके आगे। अच्छा, ये आपको इसमें दे रहा है 3 वेबसाइट्स आपको दे रहा है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ दे रहा है और डिस्क स्पेस आपको 20 GB SSD दे रहा है। अब हम यही प्लान चेक करते हैं जाके इसके ऊपर होस्टिंगर के ऊपर। ये आपको दे रहा है जी $22 ईयरली। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, डील को रहने दें 1 मिनट। अच्छा, ये वाला ऐड टू कार्ट इसको करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास ये हमें दे रहा है जी फ्री डोमेन फॉर फर्स्ट ईयर और सेव अप टू 42 48 मंथ्स, ठीक है। ये देखिए 48 मंथ्स का, अगर आप 48 मंथ खरीदते हैं तो ये आपको इतने सेव होंगे, लेकिन हम 12 मंथ का खरीद रहे हैं तो हम 12 मंथ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें बता रहे जी 2.93। ये हमें कुछ ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। इसी यही प्लान अगर हम नेमचीप से ले रहे हैं तो आपके सामने है जी $22.2888, ठीक है, और ये आपको पड़ा 2.99, यानी ये आपको ईयरली पड़ेगा तकरीबन आप $1 एक्स्ट्रा कर लें, यानी $12 और एक्स्ट्रा कर लेंगे आपको पड़ेगा तकरीबन 2020। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हम इसको कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, हम इसको कैलकुलेट 2.99 × 12, ये 35 की आपको तकरीबन $13-14 फालतू पड़ रहे हैं जो आपको नए होस्टिंग कर से पड़ रहे हैं। और यही प्लान आपको पड़ रहा है, ये 100 बता रहा है, लेकिन ये देखें कि हम इसकी दूसरा, हम इसका दूसरा जो अच्छे वाला है वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये अनलिमिटेड फ्री SSL दे रहा है, ठीक है, अप टाइम फ्री गारंटी, वीकली बैकअप, 100 GB स्टोरेज दे रहा है। अब यही प्लान इसी प्राइस में हम ये वाला प्लान चेक करते हैं नेमचीप का। मैं आपको यही इसी प्राइस में नेमचीप का बताता हूँ, नेमचीप का भी इसी प्राइस में अवेलेबल है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ।
मिनट, होस्टिंग में हमारे पास आता जी दी सेलर शेयर्ड होस्टिंग। अच्छा आपने आ जाना है शेयर्ड होस्टिंग में, और यहाँ से आपने चल जाना है स्टेलर प्लस में। ये चीज़ें अब देखें, इसी में आपके पास इसी प्राइस में ये आपको 35, वो आपको 35 में पड़ रहा है, ये भी आपको 35 में ही पड़ रहा है, लेकिन फर्क क्या है? ठीक है, इस में और उसमें देखें, यहाँ पे आपको 100 वेबसाइट बता रहा है, अनलिमिटेड ट्रैफिक बता रहा है, अनलिमिटेड जीबी, अनलिमिटेड फ्री एसएसएल, लेकिन 100 जीबी एसएसडी स्टोरेज ये बता रहा है। ठीक है, क्लाउड फेयर बता रहा है मालवेयर के अंदर, लेकिन यहाँ पे ये चीज जो बता रहा है ना, ये तीनों आपको अनलिमिटेड दे रहा है। साइज भी अनलिमिटेड है, बैंडविड्थ भी अनलिमिटेड है, डिस्क स्पेस भी अनलिमिटेड है। डिस्क स्पेस क्या होता है? आपकी जो वेबसाइट्स के ऊपर डेटा अपलोड हुआ होता है ना, उसको डिस्क स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपको 100 जीबी स्टोरेज दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको उसी प्राइस में अनलिमिटेड मिल रहा है। मिसाल के तौर पर आपके पास 100 वेबसाइट है, तो 100 वेबसाइट का डेटा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 100 जीबी मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कवर होगा, लेकिन यहाँ पे आपको अनलिमिटेड मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको नेम चीप की तरफ ही जाना चाहिए अगर आपने होस्टिंग लेनी है। फिर हम डोमेन्स चेक कर लेते हैं, मुख्तलिफ डोमेन्स आपके पास होती हैं, डोमेन्स में आपको कौन सी सर्विसेज देते हैं और कौन से आपको, हमने डोमेन्स के ऊपर क्लिक कर लेना है, डोमेन सर्च के ऊपर क्लिक कर लें। ये देखिए आपको फर्स्ट टाइम कितना आपको ऑफ देते हैं, और हम इसकी डोमेन के ऊपर भी चले जाते हैं एक मिनट के लिए। तो नेमचीप का एफिलिएट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाकर वहां से परचेजिंग कर सकते हैं। अगर आप हमें कुछ फ़ायदा देना चाहते हो तो हमारे एफिलिएट लिंक के साथ आप जा सकते हैं। मैं डोमेन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, डोमेन नेम के ऊपर सर्च करता हूँ। अब हम चेक करते हैं ये कितना ऑफ देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी जो होस्टिंग और डोमेन्स वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ देते हैं पहली बार अब आप कुछ ना कुछ परचेसिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, सुनो gamer.com, मैं ये चेक कर लेता हूँ। अच्छा, ये मुझे बता रहा है कि ऑलरेडी टेकन है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। अच्छा, ये 9.99 पे अवेलेबल है, हम ये चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे भी यही प्राइस पे ही होगा। ठीक है, लेकिन होस्टिंग में मैंने आपको वाजिया फ़र्क बता दिया कि क्या वाजिया फ़र्क है। ठीक है, होस्टिंग में, ठीक है, कितना फ़र्क है, वाजिया फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा कि एक चीज, एक में आपको 100 जीबी स्टोरेज मिल रही है, दूसरे में आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिल रही है। ठीक है, अच्छा, ये आपको यहाँ पे ये थोड़ी सी ज़्यादा सस्ती, कुछ सेंट में फ़र्क है, कुछ सेंट्स में फ़र्क है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 68, 50, 14, 13, 10, ये आपको एक जीरो भी दे रहा है कुछ ऑनलाइन। ठीक है, 4, 20, 28, तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, अगर आप हमें कोई फ़ायदा देना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू जाके कोई भी परचेजिंग साइनअप वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू।